पूर्णिमा के अवसर पर देवांगन धर्मशाला में सामूहिक रूप से गुरु व्यास पूजन का आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के चौक चौराहे से गुजरते हुए व्यास पीठ पर पहुंची, जहां सभी शिष्यों ने गुरुजन का पूजन किया। भगवत आचार्य राजेंद्र शर्मा देव कृष्ण महाराज के मार्गदर्शन में गुरु पूजन कर शिष्यों ने अपने गुरु को वस्त्र श्रीफल भेंट कर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। भागवत आचार्य राजेंद्र शर्मा एवं भोला शंकर तिवारी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। गुरु की महिमा और महत्व सभी तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। आज ही के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था और सबसे पहले गुरु वेदव्यास नहीं शिक्षा दी थी, इसलिए हिंदू धर्म में व्यास पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस अवसर पर आचार्य राजेंद्र शर्मा द्वारा टॉप 10 बच्चों एवं समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को शाल श्रीफल में मेमटो देकर सम्मानित किया गया। भोला शंकर तिवारी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का महत्व बहुत बड़ा होता है। धर्मग्रंथ की ऐसी मान्यता है कि आज के दिन शिष्य अपने गुरु के घर भोजन करता है तो उसके हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं और हमेशा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण गुरु पूजन पश्चात भव्य आरती भंडारा प्रसाद का शिष्यों ने प्रसाद ग्रहण किया। आदिकाल से सनातन धर्मानुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। आज ही के दिन वेदों एवं पुराणों के वेत्ता वेद व्यास जी महाराज का जन्म हुआ था। उन्हीं की पुण्य स्मृति में गुरु परंपरा के अनुसार यह गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। आज के दिन शिष्य गुरु के घर में पहुँच करके गुरु का सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जो दीक्षा लिए रहते हैं, मंत्रों को कहीं किसी कारणवश भूल जाते हैं, उस मंत्रों की पुनरावृत्ति की जाती है। गुरु परंपरा के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के यहाँ अन्न खाने का विशेष महत्व बतलाया गया है। इस कारण से सभी शिष्यगण गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के घर पहुँच करके अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं और मंत्रों का फिर से पुनर्स्थापन करते हैं। बस कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज के ही दिन व्यास जी महाराज का प्राकट्य इस धरा पर हुआ था और व्यास जी महाराज जिन्होंने वेदों का भाग किया, 18 पुराणों की रचना किया, यह पौराणिक काल से ही इस गुरुकुल परंपरा की बड़ी विशिष्टता है। आज के दिन सभी शिष्य अपने गुरु महाराज का पूजन अर्चना आदि करते हैं, किंतु हमारे भागवत प्रवाह एक ऐसा समूह है जिसके माध्यम से हम केवल यह नहीं कहते कि गुरु की पूजा करो, आशीर्वाद तो उनका हमेशा रहेगा, पर इस आयोजन के माध्यम से हम समाज में क्या दे सकते हैं, समाज के लिए प्रेरणा की बात क्या होगी, यह भागवत प्रवाह ने सुनिश्चित किया है। और आपने देखा होगा कि आज के इस कार्यक्रम में हमने समाज के उन सभी इस तरह के लोगों का हमने सम्मान किया है, चाहे वो छात्र छात्रा हों या व्यावसायिक दृष्टि से जिन्होंने एक उत्कृष्ट कार्य किया हो, अथवा अपने माता पिता की सेवा में जिन बेटियों ने उत्कृष्ट योगदान किया हो, गौ सेवा, पर्यावरण क्षेत्र में अधिकाधिक वृक्षारोपण किया, ऐसे सबको हमने आज बड़े ही आत्मीय भाव से उनका स्वागत किया है। और यही हमारे संस्थान भागवत प्रवाह का एक उद्देश्य है जिसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। श्री राधे।